Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Hello friends, welcome to my channel. चलिए हम बताते हैं कि हम किसी भी फ्लोर में टाइल्स लगाना है या फिर मार्बल्स या फिर कोटा, ठीक है, उसमें ये सब लगाने से पहले हमको कैलकुलेशन करना होता है कि कितना टाइल्स कोटा या फिर मार्बल्स लगेंगे, ठीक है। तो उससे सबसे पहले हमको फ्लोर एरिया पता होना चाहिए। फ्लोर एरिया हमारा 10 मीटर बाई 10 मीटर का है, मतलब 100 स्क्वायर मीटर का। इसके बाद हमको रिक्वायरमेंट होती है साइज ऑफ फ्लोर टाइल। फ्लोर टाइल कितने साइज का लगेगा या फिर कोटा कितने साइज का लगेगा। यहाँ पे लग रहा है 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर, यानी 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात यह है कि हम जिस यूनिट में फ्लोर एरिया लेंगे उसी यूनिट में हम फ्लोर टाइल का एरिया लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ले लेते हैं स्क्वायर फीट में। स्क्वायर फीट में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 0.001 स्क्वायर फीट होता है। वो निकलता कैसे है वो हमने यहाँ पे डेरिवेशन किया हुआ। 1 फीट में 12 इंच होता है, ठीक है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो 1 फीट में 12 इंटू 2.54 करेंगे तो 30.48 सेंटीमीटर होगा। 1 स्क्वायर फीट में 30.48 का 2 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं 30.48 तो आएगा 929.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम डिवाइड कर देंगे, अगर 1 डिवाइडेड बाई 929.03 से तो हमारा आएगा 0.00107 स्क्वायर फीट। तो ये हमने डेरिवेशन बताया, हमने इसको कैलकुलेट कर दिया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर को 0.001 से, तो आ गया 0.9 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब इसके बाद हम नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, ये है फार्मूला, ठीक है। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इक्वल टू फ्लोर एरिया अपन एरिया ऑफ वन टाइल्स। फ्लोर एरिया हमारा है 100 मीटर स्क्वायर, लेकिन हमने इसको चेंज किया स्क्वायर फीट में, उसके लिए 10.75 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद डिवाइड किया एरिया ऑफ वन टाइल्स जो कि ऑलरेडी स्क्वायर फीट में है, ठीक है। 10.75 कहाँ से आया, वो आप 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, तो इसका 2 बार मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 10.75 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो 1075 आया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और 0.9 जो है वन टाइल का एरिया है स्क्वायर फीट से स्क्वायर फीट कट जाएगा, और 1075 में 0.9 का जब डिवीजन करेंगे तो आएगा 1194, मतलब 1194 नंबर टाइल इतने फ्लोर एरिया में लगेगा। अगर मान लीजिए इस फ्लोर एरिया में कुछ ये सेक्शन, इस सेक्शन में हमें कुछ और काम करना है, मान लीजिए टॉयलेट बनवाना है, ठीक है, जिसका साइज है 10 फीट बाई 10 फीट, तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे लिखेंगे डिडक्शन ऑफ टॉयलेट एरिया, ठीक है। टॉयलेट एरिया क्या है, 10 बाई 10, यानी 100 स्क्वायर फीट। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा, 1194 टोटल था, उसमें से 100 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1094 नंबर। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ टाइल्स या फिर मार्बल या फिर कोटा निकालते हैं।